गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा। सफलता की जब हम बात करते हैं तो अनेकों मंचों पे जाके सुनने का और बोलने का और समझने का, गाने का और मुस्कुराने का मौका मिलता रहता है। और जब सफलता की बात हो तो भगवान ने लेखक और लेखक की लेखनी और लेखक की विचारधारा को सफलता का मार्ग बनाया है। जो लोग लेखक की लेखनी के माध्यम से, लेखक की विचारधारा के माध्यम से उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ते हैं, लेखनी को पढ़ते हैं, विचारधारा को पढ़ते हैं, शोध की गई बात को पढ़ते हैं, तो दिखने लगता है कि लेखक की लेखनी हमें जीवन के हर पल पे सफलता दिलाती है। जैसे हम किस गांव में रहते हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे गांव की परिभाषा क्या है, हम छोटे बच्चे हैं जो पांचवी छठी क्लास में पढ़ते हैं और हम नहीं जानते, लेकिन जो हमारे पूर्वज बड़े हुए हैं उन्होंने लेखक के रूप में अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी विचारधारा के माध्यम से हमें हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की, हमारे धर्म की, हमारे देश की, हमारे जिले की पूरी किताबें लेखनी के माध्यम से हमें दी है। अर्थात हमें अस्तित्व दिया है। हम कोई भी चीज, भौगोलिक परिस्थिति, सांख्यिकी की परिस्थिति, सिंचाई की परिस्थिति, शासक की परिस्थिति, लड़ाइयों की जानकारी, जनता जनार्दन की जनसंख्या की जानकारी, स्कूलों की संख्या की जानकारी, जो भी चीज हम लेना चाहें वो लेखक की लेखनी के माध्यम से, लिखी गई किताबों से ले सकते हैं। वर्तमान युग में यही चीजें YouTube के माध्यम से, Google के माध्यम से, Facebook के माध्यम से हम ले सकते हैं। और जब ये चीजें हमें मिल जाती हैं तो हम उस कदम से आगे चलते हैं जो कदम हमारे पूर्वज चल चुके, या हमारे लेखक लिख चुके, या हमारी लेखनी के माध्यम से आने वाले बच्चे उस बात से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो हमने अपने अनुभव के आधार पर, जो हमने अपने खोज के आधार पर लिख दी है। लेखनी का लेख इसलिए भी महत्व है कि चाहे हम अखबार को पढ़ लें, चाहे हम मैगजीन को पढ़ लें, चाहे हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें, चाहे हम किसी वाचालय में जाके पिक्चर हॉल के माध्यम से पिक्चर देख लें, लेकिन सबका अर्थ हमें एक ही जगह ले जाता है कि हम इनको पढ़ के और देख के सफलता प्राप्त करें। हमारी महिलाएं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारे योद्धा, हमारे नेता, हमारे आविष्कारक जितनी भी सफलता प्राप्त करते हैं वो लेखक की लेखनी द्वारा लिखी गई चीजों को पढ़ के प्राप्त करते हैं। जितने छात्र इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं वो किताबों को पढ़ के सफलता प्राप्त करते हैं, और अपनी लेखनी के माध्यम से एग्जाम कॉपी में लेखक द्वारा लिखी गई बात को लिख के नंबर प्राप्त करते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है, महाभारत से, रामायण से, भागवत गीता से, तीर्थ स्थलों से, वन विभाग पे लिखी गई किताबों से, सिंचाई विभाग पर लिखी गई किताबों से,
जो हमें लेखक द्वारा लिखी गई है और हम अपने जीवन में पीएचडी करते हुए अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हुए अच्छी अच्छी नई कहानियां लिखते हुए अपने जीवन में लेखक की लिखी गई बातों को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि हमें विदेश जाना हो और यदि हमें विदेश में जाके स्टडी करनी हो तो हम वहां पे भी किताबों को प्राथमिकता देके पहले जिस देश में हम जा रहे हैं उसकी हर तरह की स्टडी कर लेते हैं और उस स्टडी के माध्यम से हम सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ जाते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए हमसे सदैव जुड़े रहें। मुझे आशा है कि मेरी विचारधारा आपको अवश्य पसंद आई होगी और आएगी। जनहित में हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे साथ साथ सेवा में सम्मिलित हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। गुरु गोविंद दो।